नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। बीजापुर के नेमेड में 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेमेड बनने में लोगों को अब 15 किलोमीटर मुख्यालय जाने से छुटकारा मिल गया है, जिससे नेमेड के अंदरूनी क्षेत्र के मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। तो उनको भी बढ़ाएंगे, इसको हमर लैब से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ सैंपल कलेक्ट करके जिला में हमर लैब है वहाँ से भी उसका टेस्टिंग होगा। और प्लान करके डॉक्टर हमारे जो विशेषज्ञ जिला अस्पताल में हैं, हफ्ते में एक दिन यहाँ भी आके देखेंगे, ऐसा भी व्यवस्था करेंगे हम। तो और CHC में विशेषज्ञ डॉक्टर का सेटअप भी मिला है, तो उस अनुरूप भर्ती अगर शासन से नहीं होती है तो जिला स्तर से व्यवस्था करेंगे ताकि लोगों को सुविधा मिल पाए। सर, ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जिनको ज़्यादा दिक्कत? वहीं भाजपा जिला कार्यालय के सामने एक व्यक्ति तेज रफ्तार बस की चपेट में आ गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के तुरंत बाद बौद्धघाट TI दिलबाग सिंह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां एम्बुलेंस के ना आने पर TI अपने निजी वाहन से घायल को अस्पताल ले गए और इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता सुशील मौर्य महेश द्विवेदी ने नगर पुलिस अधीक्षक पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि वो किसी काम से सिटी कोतवाली पहुंचे थे, जहां मौजूद नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने महेश द्विवेदी को लात मारी और साथ में सुशील मौर्य से भी दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद कांग्रेसी सिटी कोतवाली पुलिस पहुंची। कांग्रेसियों का आरोप है कि नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। कांग्रेसियों ने नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। इस विषय में संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहना है कि बस्तर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा से सार्थक चर्चा हुई है। CCTV के आधार पर निष्पक्ष जाँच कर जो भी दोषी पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। गुटखा खा के आया है, मैं गुटखा खाने वालों को मारूंगा, इस प्रकार से उत्तेजना पूर्वक व्यवहार कर रहा था। मैं बोला कि आपको मारने का पावर किसने दिया है, तो मैं IPS मेरे को सिखाएगा कि ऐसा करते हुए मेरे साथ गाली गलौज किया। फिर हम बाहर गए, बाहर पे दोनों TI और बोले कि चलो सोशल बातचीत करते हैं। मैं जैसे ही TI के केबिन में गया तो मेरे साथ माँ बहन गाली गलौज करते हुए मेरे को सिखाएगा, तो IPS मारपीट किया है। पूरे CCTV यहाँ पर है, उसकी जांच होनी चाहिए। जैसे ही हमें मिली, हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर कि इस घटना में क्या हुआ है इसकी जांच की जाए। मुख्यमंत्री जी जिसे भी हमें इस चीज़ की जानकारी दिए हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस चीज़ का आश्वस्त किया है कि कोई घटनाक्रम हुआ है इसकी जांच करेंगे। तो मैं ऐसा करके वो जो घेरील है उसको पकड़ के थोड़ा सा खड़े होकर सर कैसे हैं बोल के इतनी बोला हूँ, ये कौन बोले मेरे को। तो बात करते करते ही मेरे से अचानक से मेरे को बोलते हैं कि चल तू निकल। मैं बोला सर कैसा आप बात कर रहे हैं मेरे से। तो मेरे को अपशब्द बोल के पीछे से एक लात मार, फिर मैं मार के इसको निकलो बाहर बोल के। फिर मैं चुपचाप भैया मेरे मन में सब खड़े हुए थे, मैं उधर जाके फिर मैं फ़ोन लगाया सुशील भैया को कि भैया ऐसा सब आते हैं मेरे को, मेरा बिना कसूर के मेरे को चल दो मिनट रुक मैं आ रहा हूँ उनसे बात करता हूँ क्यों मारे। ये हैं वो बता रहे हैं, ये बात हम सब जान रहे हैं। ये बातें सबसे पहले CC फुटेज से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में आ जानी चाहिए। जब वो पाते हैं कि हम सही बता रहे हैं, उसके आधार पर जो भी एक्शन होगा हम मांग करेंगे। आवेदन की तथ्यात्मक जाँच मेरे द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा? सुशील यहाँ पदस्थ CSP साहब हैं, विकास कुमार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध में शिकायत की गई। क्या कुछ विवाद? ये जांच का विषय है, अभी आवेदन प्राप्त हुआ है और सभी बिंदुओं पर इसमें CCTV सहित जो भी गवाह वहाँ उपस्थित हैं उन सभी का कथन और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर इसकी जाँच विवेचना।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और आदिवासी नेता केदार कश्यप ने आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और खुशी भी जाहिर की है। साथ ही आरक्षण को लेकर एक बार फिर केदार कश्यप ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा और केदार कश्यप ने कृणाल शुक्ला और केपी खांडी का जिक्र करते हुए कहा कि 58% आरक्षण और ओबीसी आरक्षण को रोकने वालों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो हम सबके लिए सम्मानीय है और हम चाहेंगे कि वो जहाँ पर भी रहें उनका सम्मान बना रहे, उनको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करती रही उसी तरीके से उनका सम्मान रहे और हमारा हम तो आगे भी उनको सम्मान देते रहेंगे। ये ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे समाज को चाहे हर वर्ग को ठगने का काम किया है और मुझे लगता है कि इस पर भी कोई ना कोई बड़ा मामला है और उसको। वहीं जगदलपुर में टेली फ्रॉड और साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी करने वाले दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मोबाइल के जरिए फोन कर अपने आप को बीएसएफ का अधिकारी बताकर बीएसएफ में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करता था, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर साइबर सेल की मदद से आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया है। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन और आधार कार्ड जब्त कर लिया गया है। अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दोनों ही मामलों में आरोपियों के द्वारा बीएसएफ का अधिकारी बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर तथा क्रेडिट कार्ड बंद होने के नाम पर ठगी की गई थी। ठगी की कुल राशि क्रमशः 1,80,000 रुपये तथा 80,000 रुपये रही। उक्त प्रकरण में प्रकाश कुमार पिता सरोज कुमार उम्र 21 वर्ष को मानेसर जिला गुरुग्राम हरियाणा से तथा दूसरे अपराध में अमन गौतम पिता महेश गौतम उम्र 22 वर्ष को इंदरपुरी जिला दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही आरोपियों को जगदलपुर लाया गया है। इनसे कुल 4 मोबाइल, 2 पासबुक एवं चेकबुक और कुछ आधार कार्ड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें जब्त किया गया है। वहीं सूरजपुर में मिनी पिकअप और ट्रैक्टर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें मिनी पिकअप में सवार 23 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों में महिलाओं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी का उपचार भैयाथान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। 3 गंभीर रूप से घायल ग्रामीणों को जिला चिकित्सालय सूरजपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। वहीं बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्शियल और रेल रोको समिति के द्वारा पिछले साल कई महीनों से जगदलपुर के 142 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली गई, जिसके तहत जगदलपुर से रावघाट रेलवे लाइन के विस्तार हेतु 9 मई 2023 को बस्तर संभाग महाबंद का आह्वान किया गया है, जिसमें बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विशेष समर्थन मिला है। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व कांग्रेसी जिलाध्यक्ष पंडित उमाशंकर शुक्ला के अनुसार व्यापार बंद करके रेल लाना असंभव है। उन्होंने कहा कि चैम्बर का काम है व्यापारी हितों की रक्षा करना, ना कि राजनीतिक दावपेच खेलना। से केवल जो छोटे व्यापारी हैं उनको नुकसान होना है। मुझे क्या है, मुझे चैम्बर बोलेगी बंद करो तो मैं एक दिन क्या होगा, चैम्बर बोलेगी एक हफ्ता बंद करो मैं एक हफ्ता बंद कर लूंगा। लेकिन जो संजय बाजार में सब्जी वाले बैठते हैं, जो फेरी वाले घूमते हैं, जो सुबह नाश्ता के ठेले लगाते हैं, उनका परिवार पालने की जवाबदारी की गारंटी कौन लेगा? लेकिन मैं इसका विरोध करता हूँ। नगर बंद करने से कहीं पर भी कोई सी चीज़ की आप सोचें कि रेल आएगा बस्तर ज़िले में, बिल्कुल क्वाइट इम्पॉसिबल। चैम्बर का काम है व्यापारियों के हितों की रक्षा करना। आप कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, या चैम्बर को आप राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। आप उसमें सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग हैं, कोई एक वर्ग विशेष का लोग नहीं है। और बस्तर में आप नगर बंद कर दीजिए, अनिश्चितकालीन कर दीजिए। सरकार तानाशाही सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, दोनों ने हमें ट्रैक पे जाने से रोका और हमें ट्रैक पर नहीं जाने दिया। और ये एक संगठन है जो लगातार रेल सुविधाओं को बढ़ाने की मांग कर रहा है, ये स्वागत योग्य है, परंतु जो उनके योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं
टकराहट से दूर जा रहे हैं। जहां एक तरफ मोदी सरकार और भूपेश सरकार लगातार बस्तर की रेल सुविधाओं को बढ़ाने से अपने हाथ को खींच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो आंदोलनकारी है वो बंद तो समझ से परे है, क्योंकि बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स का काम व्यापारिक हितों की लड़ाई लड़ना है, न कि राजनीतिक आंदोलन करना। और बिना राजनीतिक लोगों के क्या ट्रेन की सौगात बस्तर वासियों को मिल सकती है बिना उनके सहयोग के? फिर बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों से एक सवाल यह है कि कुछ समय पूर्व उन्होंने एक पदयात्रा की थी इस रेल मुहिम में कि बस्तर में रेल चाहिए, बस्तर दल्ली राजहरा जगदलपुर जो एक रेल लाइन का विस्तार होना, जो रेल सुविधा सभी यहाँ के बस्तर वासियों का मौलिक अधिकार है उनसे सभी वंचित हैं। यह सभी हमारे भविष्य के सपनों की लड़ाई है। सभी हमारे माता पिता भाई बहन जितने जो आज यहाँ पर यहाँ के रहवासी हैं उन लोग को इस मूल सुविधा से अछूता रहना पड़ रहा है। इस सब बातों को देखते हुए लगातार चरणबद्ध आंदोलन हमारे द्वारा किया जा रहा है। उसमें भी मैंने ये प्रश्न पूछा था कि ये पॉलिटिकल है, सामाजिक है या बस्तर चेंबर कॉमर्स का व्यक्तिगत है। उस समय भी ये बताया गया था कि पॉलिटिकल नहीं है, जबकि बगैर पॉलिटिकल व्यक्ति या पद के ये संभव नहीं है रेल को लाना। और रेल लाने के लिए जो अब तक की जो लड़ाई हुई है उसमें सबसे कारगर लड़ाई जो सबसे पहली बार हम लोगों ने हमारे सम्मानीय उमाशंकर शुक्ला जी के नेतृत्व में रेल रोको आंदोलन रेल की पटरी में बैठ के किया था। वैसे भी हम लोग साथ और सी परेशानियां रहती हैं, कभी GST का आजकल बहुत ज़्यादा स्कूटनी पैसा आ रहा है उसमें उलझे रहते हैं। तो मेरा सोच है कि सर कोई विकल्प और ढूंढना चाहिए, हर जगह बंद इसका मतलब निवारण हो नहीं सकता, इसको और भी कुछ सोचना पड़ेगा। और मैं सोचता हूँ कि बंद करना है तो सब तरफ से बंद होना चाहिए, सिर्फ व्यापारी को बंद क्यों करेगा? व्यापारी हित का भी ध्यान रखना चाहिए। आज कलेक्शन में टैक्स में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर व्यापारी हिस्सा देता है, चाहे वो IT हो चाहे GST हो। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।